Good morning guys, welcome to a new video. I hope you guys are doing good. So this is going to be a week in my life. I tried to film it but I don't know how it went. It's all over the place. So I am going to do a voiceover and I hope you guys will like it. So on this day I had a plan to go out with my friend kyunki today is Saturday. Mere dost ka na 2 din ka chutti tha, so we decided to meet for lunch and then she stayed with me for 2 days. So yeah, here is the video. ब्रेकफास्ट खाने के बाद आई डिड सम फिल्मिंग, उसके बाद आई गॉट रेडी एंड आई डिसाइडेड टू गो टू सफदरजंग क्योंकि हमारा वहीं मिलने का प्लान था. मेरे दोस्तों ना कब से पहुंच गए थे बट आई डिडंट गेट ऑटो उबर एनीथिंग ओके. तो मैंने ना उबर बाइक ले लिया एंड ट्रस्ट मी गाइस आई वाज सो स्केयर्ड क्योंकि ना इतना स्पीड से जा रहा था. एंड हियर इज दृष्टि, वी मेट आफ्टर सो लॉन्ग. उसके बाद वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी क्योंकि एक नया मूवी रिलीज हुआ था. आई थिंक इट वॉज नेम्ड एज 12 फेल, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, प्लीज़ जाके देखना. यू कैन गो एंड वॉच विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट वॉज दैट गुड. मत करो ना, हटो 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 हटो, चलो निकलो. चलो फुर मेरे पास तो स्नैपचैट है ही नहीं, मैं ये यूट्यूब में डालूंगी. डालो तुम अपने सब्सक्राइबर घटाओ और ये करके जो बने ना सब्सक्राइब. क्या करना चाहती हो, क्या निकालना चाहती हो? ओए मेरे घर में चाय बना दी क्योंकि हम चाय पीते हैं. सो द नेक्स्ट डे दृष्टि वॉन्टेड टू हैव सम टी एंड मैंने उसे कहा था कि आई हैव इंस्टेंट पैक, लेकिन उसने कहा कि नहीं उसको बनाना ही है. एंड आई डिडंट हैव एनीथिंग, लाइक चाय का सामान तो बिल्कुल भी नहीं था और चाय बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं था. सो हमने चाय कढ़ाई में बनाया एंड शी वॉज सेइंग कि दिस इज़ हर वेरी फर्स्ट टाइम मेकिंग चाय इन कढ़ाई. दृष्टि को ना ये चाय बनाने में बहुत टाइम लगा बट लेट मी टेल यू गाइज इट वॉज गुड ओके. इतना टाइम लगा, इतना एफर्ट लगा बट लास्ट में इट वॉज गुड, सो इट वॉज ऑल वर्थ इट. फिर ना लंच में मैंने बनाया है चिकन बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू मेक समथिंग फॉर दृष्टि क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब दृष्टि के घर गए थे ना शी कुक्ड अ लॉट ऑफ फूड फॉर मी. तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छे बना के खिलाऊंगी. सो वी मेड चिकन, तो हाँ दृष्टि को अच्छा लगा. सो इट वॉज ऑल वर्थ इट अगेन. एंड दिस डे शी वॉज एक्चुअली लिविंग ओके बट मैंने ना इसे इतना फोर्स किया और मैंने कहा कि वी विल हैव फन. सो शाम को हम गए मेहंदी लगवाने क्योंकि कुछ दिन में दिवाली था. ये वीडियो ना थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मेरे को एडिट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था. सो हमने रात को थोड़ा बहुत डांस किया एंड वी कॉल्ड इट अ नाइट.
सो ऑन दिस डे आई स्टार्टेड माई डे लिटिल लेट देन द यूजुअल एंड आज मेरा प्लान था कि आई एम गोइंग टू गो आउट विद शॉन फॉर अ लेट लंच. तो जाने से पहले मेरे को कुछ फिल्मिंग करना था तो मैंने अच्छे से वीडियो फिल्म कर लिया. एंड लेट मी टेल यू गाइस, मेरे को ना होल वीडियो फिल्म करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं. इट लिटरली टेक्स मी 3 to 4 आवर, क्योंकि मेरे को ऐसे बैठ के बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए ना क्यू एन ए वीडियो भी नहीं आ रहे. एंड जब क्यू एन ए वीडियो आएगा ना तो साथ में गिव अवे वीडियो भी आएगा. सो आई नीड टू प्रिपेयर दैट. तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दे देना. बाय द वे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑडियो ना आई एम वेरी बिजी, क्योंकि मेरा भाई और मेरा कजिन लोग ना मेरे घर में दिवाली की छुट्टी मनाने आया है. सो या आई एम लिटिल पैक्ड एट द मोमेंट. सो लेटर दैट इवनिंग आई वेंट टू अंसल प्लाजा, क्योंकि हमें जाना था एक जापनीज रेस्टोरेंट में. इट्स नेम्ड एज कोफुकू. बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है. आई मीन आई रियली लाइक देयर फूड. इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट द फूड इज सो गुड. बंजारा मार्केट जाते हैं हम वॉशरूम.
सो ऑन दिस डे आई डिसाइडेड टू होस्ट अ ब्रंच फॉर माई कजिन ब्रदर. मैंने ना कल रात से बाई को मैसेज कर दिया था कि टुमारो लेट्स हैव ब्रंच टुगेदर, क्योंकि ना मेरा कजिन बाई का कॉलेज ऑफ था. सो हाँ, वी एट ब्रंच टुगेदर. बाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, सो दैट मेड मी फील सो गुड. और ना मैंने काफ़ी टाइम से प्लान किया था कि आई विल गो टू बंजारा मार्केट, लेकिन आज जब हम जा रहे थे ना, मौसम इतना ख़राब हो रखा था, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पॉल्यूशन है कि मौसम ख़राब है. बट हाँ, वी मेड इट टू बंजारा मार्केट एंड आई वेंट क्रेजी गाइस. लाइक वहाँ इतना कुछ था ना कि आई कुडंट डिसाइड कि मैं क्या लूँ. सो लेट मी गिव यू गाइस फ्यू टिप्स. ओके, अगर आप बंजारा मार्केट जा रहे हो ना, तो एक टॉट बैग लेके जाना या एक बड़ा सा बैग लेके जाना, क्योंकि वहाँ आपको सेरेमिक का प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, तो इट्स लिटिल हैवी. तो हाँ, अच्छे से बैग कैरी करना. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू बार्गेन अ लॉट. लाइक इतना बार्गेन करना है ना कि यू कैन लिटरली ब्रिंग 3000 का प्रोडक्ट्स टू 400 रुपीज़. वहाँ एक्चुअली ऐसा है ना कि वो लोग बहुत हाई प्राइस बताते हैं, बट यू हैव टू बार्गेन, लाइक यू हैव टू कीप बार्गेनिंग. आई गॉट सो मेनी थिंग्स लाइक आफ्टर बार्गेनिंग, जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. मार्केट ना बहुत ही बड़ा है, सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग फॉर योर रूम या समथिंग फॉर योर होम, तो प्लीज़ डेफिनेटली गो देयर. इट्स अ वेरी गुड वन, बट कीप दैट इन योर माइंड गाइस. अपना जब गुड़गांव से दिल्ली जाओगे ना, देन आपको कैब मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं. लाइक हमें तो कैब मिला था आफ्टर 30 मिनट्स, एंड ऑल्सो इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो या, कीप दैट इन योर माइंड. एंड हाँ, दैट इज इट फॉर बंजारा मार्केट. हाई गाइज, गुड मॉर्निंग. सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई थॉट कि मैं आपको ना बंजारा मार्केट का छोटा सा हॉल दे देते, क्योंकि आप लोग भी क्यूरियस होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि आई वेंट देयर एंड आई वॉन्ट टू शो यू ऑल कि मैंने क्या क्या लिया है. देयर वोंट बी एनी लाइक सेपरेट वीडियोज़ फॉर लाइक बंजारा मार्केट ऐसा, क्योंकि ना मैंने इतना कुछ भी लेके नहीं आया है जो मैं आपको दिखा पाऊँ लाइक इन कम्प्लीट डिफरेंट वीडियो. सो मैं फटाफट से यहाँ दिखा देती हूँ, एंड हियर इट इज़. तो मैंने लिया है ये 2 कप. लुक एट द कलर गाइस, इट्स सो प्रिटी. दिस वाज फॉर लाइक 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ था शायद से, नहीं 100 रुपीज़ था, एंड आई बार्गेन्ड इट फॉर 50 रुपीज़ और मेरे को मिल गया. तो दिस इज़ फॉर 50 रुपीज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 50 रुपीज़. आई रियली लाइक द शेप, मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा. एंड कलर तो यू गाइस नो ओनली कि हाउ मच आई लव दिस कलर. एंड Another thing that I got is this one. I don't know इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी क्या कहते हैं, I don't know. But let me tell you, इसके ऊपर अपना लाइक अपने गरम कढ़ाई रख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कीप योर लाइक ब्रेकफास्ट का जो प्लेट है, ताकि यू नो मतलब ब्रेकफास्ट या एनी मील का प्लेट रख सकते हैं आप यहाँ, ताकि आपका टेबल या कुछ भी ऐसा बिस्तर लोग गंदा नहीं होने के लिए. वैसे तो मैं ये बिस्तर में तो नहीं रखूँगी, सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन माई टेबल ओनली, ऑन माई टेबल. तो वहाँ ऐसे रख के आप खा सकते हैं, ताकि गंदा गिरेगा तो इसमें ही गिरेगा. सो आई हैव गॉट इन दिस कलर. ये कलर मेरे को ना कल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था. दिस कलर इज़ रियली प्रिटी, तो मैंने एक ये कलर में लिया है. एंड अनदर वन इज़ इन दिस कलर, और इसका प्राइस था 200 रुपीज़. तो मैंने बोला कि आई वॉन्ट गिव 200 रुपीज़, क्योंकि 100 में तो हमें दिल्ली में ही मिल जाते. सो आई वॉज नॉट गेटिंग इट. तो उन्होंने ना मेरे को ज़बरदस्त किया लेने को, एंड आई गॉट इट फॉर 150 रुपीज़ में मैंने 2 ले लिया. सो दिस इज़ वन. एंड आपको इसका अगर कलर पता नहीं चल रहे, तो लेट मी टेल यू ऑल, इसमें ना थोड़ा सा ग्रीन कलर भी है, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड हियर इज़ द अनदर थिंग, दिस इज़ अ चॉपिंग बोर्ड. मेरे को ना एक अच्छा वाला चॉपिंग बोर्ड चाहिए था, क्योंकि मेरे ये जो अभी वाला है ना, वो मैंने मीशो से मंगवाया था, और मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है. वैसे भी वो टूट गया उसका हैंडल, सो आई वॉन्टेड टू गेट वन. और मेरे को ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो आई गॉट दिस वन एंड आई रियली लाइक इट. और मैंने ना इसे लाइक 100 रुपीज़ में लिया था. दे सेड कि दिस इज़ फॉर 300 रुपीज़, और वो लोग कम करने के लिए ना बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे. बट देन आई वॉज लाइक लीव इट, आई डोंट वॉन्ट इट, क्योंकि हर जगह ना चॉपिंग बोर्ड आपको आराम से मिल जाएगा. सो या, आई गॉट इट फॉर 100 रुपीज़, एंड ही वॉज लाइक 100 रुपीज़ तो आप मेरे को नहीं देने से भी हो जाएगा, यू जस्ट टेक इट फॉर फ्री, ऐसे कह रहे थे. एंड आई सेड फ्री में तो मैं कुछ भी नहीं लूँगी, सो आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज़. एंड हियर इज़ द लास्ट थिंग जो मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ अ थ्रो, जो अपना ऐसे ही मतलब थ्रो करके रख सकते,
थ्रो करके रख सकते, मतलब ऐसा नहीं कि नीचे ही फेंक दिया, आप इसे ना अपना सोफा के ऊपर में ऐसे थ्रो करके रख सकते हैं, जैसे होता है ना आपने देखा ही होगा जो सोफा के ऊपर में ऐसे लटका के रखते हैं, या लटका के रखते हैं इज द करेक्ट वर्ड आई गेस। सो या दिस इज द वन। इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, दिस इज इन ग्रीन कलर। नाउ यू गाइस नो हाउ मच आई लव ग्रीन कलर, तो मैंने यही कलर में लिया है। और ना आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर अभी का वाला वेदर, क्योंकि अभी हम ना इतना मोटा कंबल भी नहीं ओढ़ सकते एंड बिना कंबल के भी नहीं सो सकते। सो दिस इज अ वेरी गुड वन, आई एम सो हैप्पी। उन्होंने ना इसका प्राइस कहा था, लाइक दे सेड इट वॉज फॉर 1400 rupees, एंड आई वॉज लाइक 1400 rupees, 1400 rupees में तो मैं कुछ पी नहीं लूंगी, एंड आई वॉज लाइक लीव इट। तो उन्होंने कहा कि आप कितना दोगे, आप 600 दे देना। देन आई सेड नो आई एम नॉट गिविंग 600, आई एम गोइंग टू गिव 300। तो उन्होंने कहा कि 300 में तो नहीं आते नहीं आते। आई वॉज लाइक ओके लीव इट, आई गेट इट फ्रॉम लाइक यू नो समवेयर एल्स। तो लास्ट मोमेंट में व्हेन आई लेफ्ट द शॉप ना, तब उन्होंने मेरे को वापस से बुलाया एंड आई गॉट इट फॉर 300 rupees। तब मैंने सोचा कि मेरे को ना थोड़ा सा कम बोल लेना चाहिए था। एंड लेट मी टेल यू कि कल ना बंजारा मार्केट में इतना बार्गेन किया और इतना बुरा लगा, क्योंकि बाद में हमने उबर में इतना ज़्यादा लाइक उबर का प्राइस ही इतना हाई था फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली। ओ माई गॉड गाइस, मैं गुड़गांव जाने के लिए सोचूंगी बिकॉज उबर मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल है एंड इट इज़ लाइक रियली टायरिंग। येस्टरडे आई वॉज इन उबर फॉर लाइक 4 hours एंड ओ माई गॉड गाइस आई रिग्रेटेड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। एंड हाँ विद दैट वी आर डन विद दिस होल वीडियो। आज ना मेरा भाई और मेरा कजिन बहन आने वाला है दिल्ली एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू स्टे इन माई रूम, सो आई नीड टू क्लीन माई रूम प्रॉपरली। वैसे तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है एंड आई ऑल्सो नीड टू कुक फॉर दैम बिकॉज आई एम सो श्योर कि वो लोगों को भूख लग रहा होगा। तो हाँ आई हैव अ लॉट टू डू, सो आई सी यू गाइस सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा बिकॉज आई हैव नथिंग प्लान्ड। तो लेट्स सी, बाय गाइस, टेक केयर एंड आई सी यू गाइस सून। Premo tremo go Sukur sa unki yaad kahani buzilu khundana Sukur ka khatun mon khona dahani mukhani khodol mona mono me bisarahi yaad logori tumi mure kalpona Sukur ka khatun mon khona dahani mukhani khodol mona mono me bisarahi yaad